जय हिंद। अगर आप अपने गूगल पे का UPI अगर भूल गए हैं या उसको बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं इसको चेंज करके लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉरगेट या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे को आपको ओपन कर लेना, और जो भी स्क्रीन पिन या जीमेल पिन होगा, ईमेल पिन, उसको आपको एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कोने पर अपने आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा बैंक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे वो सब शो होंगे, और जिस भी बैंक अकाउंट का आप UPI भूल गए हैं या उसको बदलना चाहते हैं, तो उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह कुछ देखने को मिल जाएगा, और नीचे आ जाना है, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको फॉरगेट UPI पिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही आपको यहाँ पे इंटर कार्ड डिटेल्स लिख के आ जाएगा, और आपको कार्ड का जो ATM कार्ड होता है उसका 6 डिजिट मतलब 6 अंक लास्ट का और एक्सपायरी डेट, उस पर आपको कार्ड पे मिल जाएगा, उसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ब्लू पे टिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके होते ही थोड़ा सा वेट करना है, तब तक मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए OTP आ गया, मैं फिल कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है, नीचे आके ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक होते ही यहाँ पे दिख जाएगा आपको सेट 6 डिजिट UPI पिन मतलब 6 अंक का आप UPI आप अपने मनपसंद का यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और फिर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा UPI पिन को, वही पिन जो आपने न्यू पिन सेट किया है, फिर ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं UPI पिन अपडेटेड, मतलब आपका UPI चेंज हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।